अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सबसे मुतनाज़े शख्सियत हरीम शाह ने शादी कर ली है। इस बात की तस्दीक हरीम शाह ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए की है, जिसमें उन्होंने एक फोटो अपलोड की है और दो हाथ नजर आ रहे हैं। एक हाथ तो हरीम शाह का है जबकि दूसरा उसके मुबैना शौहर का है। फ्रेंड्स, बाद में ये तस्वीर हरीम शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दी। तस्वीर पर हरीम शाह ने अल्हम्दुलिल्लाह का कैप्शन लिखा हुआ था। निजी टीवी हरीम शाह से तस्वीर के हवाले से बात करते हैं, जिस पर हरीम शाह अपनी शादी की तस्दीक करते हुए कहती हैं कि सिंध के रुकने सूबाई असम्बली से शादी की है, लेकिन उनका नाम फिलहाल वो नहीं बता सकती कि ये रुकने सूबाई असम्बली कौन है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं उनका नाम एक्सपोज नहीं कर सकती क्योंकि ये उस शख्स की दूसरी शादी है। जी हाँ, और उनका ये भी कहना था कि दूसरी शादी की वजह से पहली बीवी के साथ कुछ इख्तलाफात हैं और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए, चीजों को सेटल डाउन करने के लिए हमने अभी ये फैसला किया है कि नाम एक्सपोज नहीं किया जाएगा। जब मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे तो फिर नाम मीडिया को बताया जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी हो चुकी है। ये निकाह कोई छुपाने वाली चीज नहीं और ना कोई ऐसा कोई जुर्म वाली बात है। निकाह हो चुका है तो मेरे ख्याल में इसके फौरन बाद ही होगी, 14 to 15 days इंशाल्लाह। मेरे लिए तो खुशी की बात होगी कि मीडिया आए और सब आए, और मीडिया के लोगों को तो मैं जरूर वो करूंगी क्योंकि ये हमें इतना प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर उनसे इजाजत भी हो ना तो दोनों तरफ से इजाजत देखी जाए। तो दोस्तों, हरीम शाह ने शादी के हवाले से ये भी नहीं बताया कि उनकी शादी किस तारीख को और किस जगह पर हुई है। तो माजी में भी उनसे कई मर्तबा शादी से मुतालिक सवालात तो किए गए थे। एक मर्तबा ये खबर फिर फैल गई थी कि हरीम शाह ने वफाकी वजीर और मारूफ सियासतदान शेख रशीद से शादी कर ली है। तहम बाद में हरीम शाह ने वाजे किया कि ये खबर झूठी है, लेकिन इस बार हरीम शाह की शादी की खबरें उस वक्त वायरल हुई जब उसने अरूसी लिबास में अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। हरीम शाह ने 23 जून को इंस्टाग्राम पर अरूसी लिबास और दुल्हन के मेकअप में चंद तस्वीर शेयर की, लेकिन कैप्शन में कुछ नहीं लिखा। अगरचे हरीम शाह ने रुकने सिंध असेंबली से शादी की तस्दीक तो कर दी है, लेकिन नाम बताने से गुरेज किया है। हरीम शाह के करीबी जराये ने इस खबर को लीक किया है और उन्होंने बताया कि हरीम शाह ने शादी किससे रचाई है। तो हमारे जराये ने हमें बताया कि मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने सिंध के रुकने सूबाई असम्बली सैयद जुल्फिकार शाह से शादी की है। सैयद जुल्फिकार शाह का ताल्लुक अंदरून सिंध से है और शहर मीरपुर खास है, जबकि हल्का PS 48 है। सैयद जुल्फिकार का ताल्लुक एक बड़े सियासी खानदान से है और बहुत ही अमीर फैमिली है। उनके वालिद भी सियासतदान थे और उनका शुमार भी बड़े सियासतदानों में होता है। सैयद जुल्फिकार के वालिद का नाम सैयद खादिम अली शाह है, जो रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। सैयद जुल्फिकार की अगर बात की जाए तो उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर के HSN कॉलेज से हासिल की है और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के काफी करीब भी समझे जाते हैं और सिंध में अहम कमेटियों की सरबराही भी उन्हीं के पास है। तो शादी करना कोई जुर्म नहीं बल्कि सुन्नत रसूल है। ताहम हरीम शाह ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि वो एक मुतनाज़े शख्सियत है। शादी जैसे पाक रिश्ते का भी एक मजाक उड़ाया है और ऐसी खवातीन जो एक रात की दुल्हन बनने की आदी होती है उन्हें ऐसे मुकद्दस रिश्तों की बिल्कुल अहमियत नहीं होती। तो दोस्तों, हरीम शाह से पहले भी कई बार खबरों में रहने के लिए इस तरह की अजीबोगरीब हरकत तो कर ही चुकी हैं। मुबशर लुकमान के जहाज से लेकर दुबई के स्विमिंग पूल्स तक उसने वीडियोस टिकटॉक पर शेयर की, कभी शेख रशीद का बेडरूम तो कभी फारूक सत्तार की बैठक। हरीम शाह ने घाट घाट का पानी तो पी रखा है, यहाँ तक के मुफ्ती कवि को भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, हमने जो मालूमात पहुँचानी थी हमने आपके साथ शेयर कर दी। ये इब्तदाई मालूमात है और हो सकता है कि इनमें कोई कमी बेशी रह गई हो।